तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तिरंगे से जुड़ी दो कमाल की बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर वन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है? तो फ्रेंड्स, जिनको यह डिफरेंस पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिनको नहीं पता वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींच कर फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण या फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। लेकिन 26 जनवरी में तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है, जिसे ऊपर खोलकर फहराया जाता है, इसे झंडा फहराना या फ्लैग अनफोल्डिंग कहते हैं। नंबर टू, क्या आपको पता है कि देश में सबसे ऊंचे तिरंगे कहां लहरा रहे हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। पहला सबसे ऊंचा तिरंगा बेलगाम कर्नाटक में लहरा रहा है, जिसकी ऊंचाई 360.8 फीट है। दूसरा, अटारी बॉर्डर पर इस तिरंगे की ऊंचाई 360 फीट है। तीसरा, कोल्हापुर महाराष्ट्र में इस तिरंगे की ऊंचाई 303 फीट है। चौथा, पहाड़ी मंदिर रांची में इस तिरंगे की ऊंचाई 293 फीट है। पांचवा, तेली बांधा रायपुर में इस तिरंगे की ऊंचाई 269 फीट है। नंबर छठा, फरीदाबाद में इस तिरंगे की ऊंचाई 250 फीट है। सातवां, भोपाल में इस तिरंगे की ऊंचाई 237 फीट है। आठवां, कनॉट प्लेस दिल्ली में इस तिरंगे की ऊंचाई 207 फीट है। नवा, जयपुर में इस तिरंगे की ऊंचाई 206 फीट है। जय हिंद, वंदे मातरम।